हेलो एवरीवन, लेट मी स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड। नाउ ओपन पेज नंबर 49 ऑफ योर साइंस बुक। हाउ ग्रीन एंड ब्यूटीफुल इज दिस ट्री। ये पेड़ कितना हरा और कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है। इट इज फुल ऑफ ग्रीन लीव्स। और क्यों सुंदर है? क्योंकि ये हरी हरी पत्तियों से भरा पड़ा है। वाई आर लीव्स ग्रीन? पत्तियां हरी क्यों होती हैं? वाई डू मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स? और ज्यादातर प्लांट्स के या पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो हरी क्यों होती हैं? क्यों होती हैं ग्रीन? द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल मेक्स अ लीफ ग्रीन। पत्तियों के अंदर जो ये हरापन है वो किसके प्रेजेंस की वजह से होता है? एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल। ये प्लास्टिड होता है ग्रीन कलर का, जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ऐसा सब्सटेंस है जो पत्तियों को ग्रीन बनाता है। वाई ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट। केवल ये हरी पत्तियां ही हैं जो प्लांट के लिए क्या प्रिपेयर करती हैं? फूड प्रिपेयर करती हैं। सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल, चूंकि उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, इस वजह से ये प्लांट के लिए फूड को बनाती हैं। ग्रीन लीव्स नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। हरी पत्तियों को हवा चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होता है। और चौथी चीज होती है क्लोरोफिल, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। यू सी द फिगर नंबर 6.2 फिगर देख रहे हो बेटा? इसमें देखिए ये ग्रीन लीव्स है ना, और ये सनलाइट है, ठीक है। इन ग्रीन लीव्स के अंदर बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको छोटे छोटे पोर्स दिखाई देंगे। इस पोर्स को कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा एज सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। और ये कैसे देखा जाता है? माइक्रोस्कोप। हम अगर माइक्रोस्कोप के नीचे अगर लीव्स को रखेंगे ना, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? इसके जो आउटर आपको जो सेल्स दिख रही हैं, बीन शेप्ड होते हैं, बीन के आकार के ये गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो हम आते हैं अपने ग्रीन लीव्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। हरी पत्तियों को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, जो वो एटमोसफियर से इस स्टोमेटा के थ्रू अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। साथ ही और क्या चाहिए होता है? H2O चाहिए होता है, यानी पानी, जो वो अपने रूट से अब्सॉर्ब करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में, और सनलाइट को अब्सॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसकी वजह से लीव्स कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं। और इस तरह से ये प्रिपेयर करता है C6H12O6 स्टार्च एंड ऑक्सीजन गैस ये रिलीज करते हैं। तो ये होता है फूड प्रिपरेशन का रिएक्शन। फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए, अ प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स लेता है पानी कहाँ से? मिट्टी से। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और हवा से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, जिसको CO2 कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में ग्रीन लीव्स चेंज एयर एंड वाटर इनटू फूड फॉर्म। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? फूड में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज जब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं तो उनको स्टार्च कहते हैं, ठीक है। तो किस फॉर्म में फूड स्टोर हो जाता है? स्टार्च फॉर्म में। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी टू दीज लीव्स। सनलाइट क्या करता है? इन पत्तियों को एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड बनाने के लिए।
Hence, water, carbon dioxide, chlorophyll and sunlight are needed by leaves to prepare food. जबकि ये चारों चीजों की जरूरत होती है फूड बनाने के लिए. वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है और सनलाइट चाहिए होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए. इनमें से कोई एक भी एब्सेंस हो जाएगा तो प्लांट अपने फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. ओके.